दादरा नगर हवेली में आत्महत्या का मुद्दा गरमाया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में महिला कंडक्टर की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है। महिला कंडक्टर सरस्वती भोया को स्मार्ट सिटी बस के अधिकारी ने चोर जैसे शब्द कहकर जलील किया था, साथ ही उसके पिता को भी उसके सामने ही चोर कहकर अपमानित किया गया था और इस वजह से सरस्वती भोया ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद सरस्वती के पिता ने इस विषय पर सिलवासा थाने में स्मार्ट सिटी बस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और शासन प्रशासन से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले में एडवोकेट सनी भीमरा ने सरस्वती के पिता से मुलाकात की और सरस्वती के समर्थन में हड़ताल कर रहे कंडक्टरों से भी मुलाकात कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया और इस विषय पर कलेक्टर से भी कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर एसएमसी पालिका के काउंसलर सुमन भाई टी पटेल ने भी पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखकर सरस्वती को न्याय दिलाने की मांग की और साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उल्लेखनीय है कि सरस्वती भोया की आत्महत्या का मामला गरमाता नजर आ रहा है। प्रदेश में आम जनता से लेकर आदिवासी विस्तार के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। प्रदेश की सभी जनता अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, जिसके बाद प्रदेश के कई नेताओं की भी आँख खुलती नजर आ रही है और कई लोग सरस्वती भोया के पिता के समर्थन में सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की जनता और स्थानीय नेताओं की क्या रणनीति होगी और शासन प्रशासन अधिकारी पर क्या एक्शन लेती है। सिलवासा से वेकअप न्यूज के लिए बंकिम कपाड़िया की रिपोर्ट।